ऐसी कौन सी दो चीजें जो अगर आप कंबाइन करोगे तो मर्दों की जन्नत बन जाएंगी? कौन सी जो चीज मिलने के बाद मर्द पूरी जिंदगी भर कभी किसी से कुछ नहीं मांगेगा, क्योंकि वो दोनों इंडिविजुअली तो उनकी फेवरेट चीजें है ही, बट ऑल्सो जब वो साथ में आते हैं तो भैया जन्नत ही जन्नत है। नहीं, मैं ओनली फैंस की एक सिंगल मदर और उसके 6 साल की बेटी की बात नहीं कर रहा, मैं बात करूँ ट्रेन की और हाइस्ट की। तो जी हाँ, आज हम एक ट्रेन में हाइस्ट करने वाले हैं और यहाँ पे भी कुछ तो अश्लील सीन हुआ है तो उसके बारे में जानकारी पाने वाले। जी हाँ नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम वेकी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई तो कृपया एक फेक सोशल मीडिया अकाउंट बनाएगा, प्रेफरेबली वो रेडिट का अकाउंट होगा तो बेटर होगा। फिर जो भी इंडियन गेमर्स के ग्रुप सब रेडिट से उसको इन्फिल्ट्रेट करेगा और कमेंट्स में लिखेगा अगर आप अच्छे अच्छे और अश्लील फोटो चाहते हो तो कृपया मेरे को डीएम करें। जब कोई भी अश्लील हरकत करने वाला लड़का आपको डीएम करेगा, दोस्तों को ना कि पहले तो वेक को सब्सक्राइब करके उसकी 2-3 वीडियो देख ले और जब मेरे को कंफर्म हो जाएगा तो वेक का सब्सक्राइबर है तब मैं तेरे को एक अश्लील फोटो भेजूंगी। जब वो बंदा उसका प्रूफ भेजता है कि उसने मेरे को सब्सक्राइब कर लिया और मेरे 2-3 वीडियो को लाइक कर लिया है, तब गूगल से एक अश्लील फोटो निकाल के उस बंदे को भेजना और कहना अब जाके तू पढ़ाई कर ताकि कल भी मैं तेरे को ऐसे फोटो भेजूंगी रोज रोज, और वो बंदा बेचारा ठरकी रहेगा तो वो भी आपके नाम पे पढ़ाई करेगा। इसी मेरे चैनल का नाम और देश की युवा पीढ़ी के भविष्य उज्जवल होने के चांसेस दोनों बढ़ेंगे। धन्यवाद। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई। वेल, स्टीलिंग अ वुमेन्स कार अपेरेंटली हमारे चैनल का ये बोलते ना रिचुअल बन गया इस पॉइंट पे कि हमें एक औरत की गाड़ी चुरा लेंगे, एंड वेल नो ऑफेंस बट हम उस औरत से ऑलरेडी बेटर चला रहे क्योंकि हम ऑफ रोडिंग करना पसंद करते हैं। टेलीग्राम पे मेरे को इन्वाइट आता है टू एन ऑर्गेनाइजेशन बार डार्क लॉर्ड 204 ऑल्सो नोन एज YB, जो पिछली बार रेस हारा था। वेल, मैं उसके ऑर्गेनाइजेशन का एसोसिएट बन जाता हूँ और हम काम करने वाले उसके साथ एक ट्रेन हाइस्ट में। जाने के टाइम पे मेरे को एक पर्पल कलर का मार्क दिखता है जो अपेरेंटली कुछ तो बात करना चाहते हैं मेरे से, तो मैं वहाँ जाता हूँ और कहते हैं बस कोई मेडिकल ड्रग्स है तो मेरे को देने के लिए, मैं उसको देता हूँ, मुझे पैसा देती है। ये पूरे हादसे के बाद मैं उसको बोलता ना जला के मारने की कोशिश करता हूँ। आप बोल रहे होंगे इसको मर्डर एंड फ्रॉड करते हैं, बट मैं इसको रिफंड पॉलिसी कहता हूँ ताकि मेरे को पैसे और ड्रग्स दोनों वापस मिले। मैं उसे मार नहीं सकता, लॉकऑन नहीं कर सकता, तो मैं उसको वैसे ही जलाने की कोशिश करता हूँ जैसे वो एक ज्यूइश बंदी है 1940 में और मैं जर्मनी का जेठा लालू। अपेरेंटली उसको मैं मार नहीं सकता और तभी YB अपना मिशन चालू कर देता है जिसका नाम है ट्रेन इन्वेंट्री। हमको जाना है एलिजियन आइलैंड में। फॉर 1 सेकंड मैंने उसको एपस्टीन आइलैंड पढ़ा तो वेल आई गेस मेरी 100% सही है। बाय द वे मैं अभी तक इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाया कि भैया स्टीफन हॉकिंग भी एपस्टीन आइलैंड पे गया है। भैया ये क्या हो रहा है, मैथमेटिकल जो साइंटिस्ट जीनियस वो बंदा एपस्टीन आइलैंड पे गया है, और चलो गया तो गया, इतना बड़ा जीनियस आदमी उसने किस चीज की मांग रखी, मिजेट्स यानी कि बटले लोग उसको पसंद थे। वो एपस्टीन आइलैंड जैसे अश्लील जगह पे आके बटले लोगों को देखता था। अब आप सोच रहे कितना बड़ा गधा रहेगा ना, बट नहीं, मैं समझता हूँ ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो बंदा देखो पैरालाइज था पूरा, वो अपना उंगली भी नहीं हिला सकता था, तो जब वो सीधा देखता था तो उसको अगर कोई अच्छी अश्लील लड़की आएगी तो वो तो हाइटेड रहेगी तो उसको तो ऊपर देखना पड़ता ना, तो वो देख नहीं सकता, अपनी मुंडी उतना घुमा नहीं सकता, इसलिए वो बटले लोगों को ऑर्डर करता था ताकि वो बोलते ना फेस टू फेस उनको देख सके और मजे ले सके। मोर ऑफ द स्टोरी ये कि आप एक रिक्लाइनिंग व्हील चेयर ले लीजिएगा, क्योंकि अगर कल को आप भी उसी सिचुएशन में जिसमें स्टीफन हॉकिंग है, जैसे कि आप पूरी तरह से हैंडीकैप है और आप सीधा ही देख सकते हो अगर आप एपस्टीन आइलैंड पे जाओगे, तो आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आप रिक्लाइनिंग चेयर से थोड़ा पीछे जाके वो अच्छी अश्लील औरतों को ऊपर हाइट में उनकी आंखों में डाल के आंख डाल के देख सकते हो। एनीवे मैं पहुंचता हूं लोकेशन पे, यहां पे YB ऑलरेडी पहुंच चुका है और सुनने में आया कि यहां पे बहुत ज्यादा गोलाबारी है। आई गेस जर्मनी ने जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में फ्रांस को इन्वेड किया था वैसा सीन, और मैं देखता हूं कि 3 अटैक हेलीकॉप्टर में और YB नीचे बेचारा ग्राउंड से लड़ रहा है। कोई नहीं, मी बीइंग द एक्सेप्शनल सेवियर आया, मैं आता हूं अपनी वेपनाइज्ड गाड़ी में जो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है इस गेम के लिए, और मैं उन सबको मारने की कोशिश करता हूं ताकि YB पूरी तरह से भाग जाए। तो मैं एक अच्छा सेवियर बन सकता हूं, बट YB कॉम्पिटेंट गनमैन नहीं बन सकता, वो बंद मर जाता है अपनी खुद की गलती की वजह से, बट मैं कोशिश करता हूं कि पूरा बोलते ना सारे हेलीकॉप्टर को मार दूं और जो पाथ है YB के लिए वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए ताकि वो बंदा अंदर जा सके। कॉल मी अ गुड फ्रेंड, वेल आई एम अ ग्रेट फ्रेंड आई नो, मेरी तारीफ करने की इतनी जरूरत नहीं है। मैं मानता था YB अंदर जाते और लेके आते कटिंग सॉ जो हमको शिप के जो डब्बे उसको ले उठाने में काम आएगा। मुझे अभी तक क्लियर नहीं कि एग्जैक्टली हम क्या चुरा रहे ट्रेन से, बट हाँ हम लोग ट्रेन से कुछ तो चुरा रहे। मिशन पास्ट, हम आते हैं इस ब्लैक बंदे के पास जिसके पास पर्पल हेयर है, एंड दैट हैज टू बी द वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हेयर एंड स्किन कलर एवर। लाइक हैव यू एवर सीन अ ब्लैक गर्ल इन पर्पल हेयर? यू यक, नो वंडर योर अगली फैम। मतलब तुम पहले ही ऑलरेडी ब्लैक हो, मतलब रेशियली ऑलरेडी तुम पीछे हो, उसके ऊपर तुम बाल पर्पल कर लो। एनी हम जाते हैं पालमर टेलर पावर स्टेशन में। आप सोच रहे हो ऐसे अश्लील जगह पे हम क्यों जा रहे, तो वेल रियलिटी ये कि हमको वहाँ जाना पड़ेगा इसी रीजन से क्योंकि हमको देखने के भैया ये ट्रेन का इंजन क्या है, उसको रुकाएंगे कैसे, उसमें कंटेंट्स क्या है। अपेरेंटली इस ट्रेन में है ECU, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट जो आप गाड़ी में लगा सकते हो जितना मेरी नॉलेज है। ना ये गाड़ी में लगाने का हम चुरा क्यों लाए, क्योंकि किसी बंदे ने कुछ तो अश्लील हरकत अपने गाड़ी में की और उसका ECU पे एक शायद रिकॉर्डर लगा जिस वजह से उसकी पूरी अश्लील हरकत बोलते ना शूट हो चुकी है। वो बंदा उस अश्लील हरकत के लिए बहुत सारे पैसे दे रहा है, उसको खरीद रहा है अपने ब्लैक मिलर से, तो हम उसको इंटरसेप्ट करेंगे, उसकी जो अश्लील हरकत की टेप है उसको चुरा लेंगे और फिर उसको सोशल मीडिया पे रिलीज करेंगे और बहुत सारे पैसे कमाएंगे।
Wow. When I said I was a tactical genius, I was a tactical genius. Because right now I'm a business and management and marketing expert. इतने अच्छे plan कोई ले नहीं पाएगा. But एक चीज का मैं plan देना चाहूँगा वाइबो के कैसे अच्छी गाड़ी ले क्योंकि उसके पास इतना पैसा और इतनी ज़्यादा modified गाड़ियाँ हैं. But उसने एक बेकार सी bike लेके आने का decision लिया and उसको चलाना भी नहीं आता. क्योंकि वाइबो अपनी गाड़ियों को randomly खरीदता जैसे राजस्थानी अपने बीवियों को एक मिनट क्या बोल रहा हूँ मैं. हम आते हैं उस साइड पे और ट्रेन थोड़े से हैवीली गाड़ी है क्योंकि ऑफ कोर्स एक अश्लील फिल्म में भाई ब्लैकमेल कर रहा है तो उसको जो पैसे ले रहे हो वापस देने पड़ेगा. मैं ट्रेन का फोटो निकालता हूँ और उस बंदी को भेजता हूँ ब्लैक ब्लू पर्पल वाली बंदी अगली जाड़ी बंदी उसको भेज देता हूँ. और फिर बंदी को देखती है कि भैया जो ब्रेक का डिस्क है उसका फोटो निकाल तो कैसे हम ब्रेक को उड़ा देंगे और अगर ब्रेक उड़ गया ना तो विषय संपला मतलब उधर ही मतलब ट्रेन रुक सकती है फिर हम उसको चुरा लेंगे राइट. ये पूरा ऑपरेशन मैं स्टेल्दी करता हूँ ताकि उनको भड़क भी ना गिरे कि उनके साथ कुछ भी ऐसी हरकत हुई है उनको आइडिया ना गिरे फ्यूचर में कि हम आके उनको हिट करने वाले. अगर अभी उनको पता नहीं कि हम इन्फॉर्मेशन ले रहे तो कल को वो सावधान नहीं रहेंगे ना. वाई भी टैक्टिकली इस बात को आई थिंक समझ नहीं पाया और अपनी रेलगन चला देते और पूरी तरह से बोलते ना पूरा मेरा स्टेल्थ के उसकी मात चोद देते बेसिकली. तो थैंक यू वेरी मच माई फ्रेंड फॉर बींग अ स्टेल्दी वेरी अमेजिंग एजेंट. अगर तू कल को स्पाई रहा तो तू बॉर्डर क्रॉस करने से पहले ही इंडिया में मारा जाएगा क्योंकि लोगों को लगा तू पाकिस्तानी स्पाई है. एनीवे हम दूसरे साइड पे जाते हैं जहाँ पे स्टेल्थ इज ऑल्सो अगेन इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे किसी ने हमको पकड़ा नहीं है और मैं मारने के टाइम पे गलती से छींक देता हूँ तो बंदे को मैं मिस कर देता हूँ और वो बंदा सबको अलर्ट कर देता है. अगेन नॉट एग्जैक्टली माई फॉल्ट क्योंकि भाई अभी हर जगह से मार खा रहा है और मैं स्टोन हैचेट लेके जिंदा हूँ तो अगेन आई एम अ स्किल्ड पर्सन और वो बंदा स्ट्रगल कर रहा है तो यू नो हुज़ द बेटर वन. हम चुरा के भाग रहे थे फुल स्पीड में बट अगेन इसने अभी तक बाइक चेंज नहीं की और पीछे जिस स्पीड से हेलीकॉप्टर आ रहा है मुझे नहीं लगता हम इस हेलीकॉप्टर को किसी भी तरह से इवेड कर पाएंगे. ये सीन्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है. इमेजिन करो आप एक बहू हो जो ससुराल से भाग रहे क्योंकि आपके पीछे आपका अब्यूजिव हस्बैंड पड़ा है जो आपको बहुत ज्यादा मारता है बट आप उस बंदे से प्यार करते हो क्योंकि आपका स्टॉकहोम सिंड्रोम है. एनीवे वाइबी की ड्राइविंग अपना रंग दिखा देती है और मैं उन सारे हेलीकॉप्टर्स को फोड़ने की कोशिश करता हूँ जब तक वो एक अच्छी गाड़ी चुराए. मैं उसको कहता हूँ एक फास्ट सुपर फास्ट गाड़ी चुराना प्रेफरेबली टू डोर वाली गाड़ी ताकि हम फट से घर पहुँच सके और वो चुराता है एक गाड़ी. तो चलो जाके देखते हैं उसने क्या गाड़ी चुराई है. अ सॉकर मॉम एसयूवी. देख मैं भी जानता हूँ कि क्रिकेट बहुत ज़्यादा फेमस है इंडिया में और हमको फुटबॉल जैसे सपोर्ट को सपोर्ट करना चाहिए बट ये टाइम और तरीका नहीं है सपोर्ट करने का. तो कृपया कोई और गाड़ी ले वो उस बात से मना करता है और हम लोग को वो भाई पहली बात तो उसने जिंदा पहुँचा है वही बड़ी बात है और दूसरी बात फिर वो स्टिकी बम लगाता है मेरी गाड़ी पे जब मैं AFK था क्योंकि मैं कुछ खा रहा था. मैं रियलाइज होने तक बहुत लेट हो जाता है वो बंदा मेरी गाड़ी को और मेरी ओरिजिनल गाड़ी को भी फोड़ देता है और फिर वो बंदा भाग जाता है. डोंट वरी आई एम अ मैन ऑफ पीस एंड कामनेस. मैं बदल रहा हूँ. मेरा मानना है कि गुस्से से आज तक कुछ हुआ नहीं है और मेरा मानना है कि इस पूरे सिचुएशन में जितना ज़्यादा मैं मैच्योर रहूंगा उतना ज्यादा बेटर रहेगा. तो जब उसकी गाड़ी होती है मैं मैच्योरली उसको एक फ्लेयर शूट करके बता दूं कि मैं उससे प्यार करता हूं और फिर मैं मैच्योरली उसको स्टिकियों में फेंक के फोड़ देता हूं ताकि मैं उसको बता सकूं कि मैं बहुत ज्यादा अच्छा आदमी हूं और मेरे को अपने गुस्से पे पूरी तरह से काबू है. एक फायर ब्रिगेड आते हैं जो हमारे इतने ज्यादा जो हमने फोड़ा है उसकी आग बुझाने के लिए. मैं सोचता हूं कि भैया वाईबी का दिमाग बहुत ज्यादा गर्म लग रहा है क्योंकि वो इतने सारी चीजें फोड़ रहा है तो उसको मैं पूरी तरह से ठंडा कर सकूं अपने पानी के साथ. क्योंकि मेरे घर पे आने वाले न्यूज़पेपर में सबसे पहला आर्टिकल ये लिखा था कि सबसे बड़ा रीजन लोगों का दिमाग गर्म होने का ये है कि वो पानी नहीं पीते. तो मैं उसको पूरी तरह से अच्छे से पानी पिला तो ताकि उसका दिमाग ठंडा रहे क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा हाइस्ट होने वाला है हमारी जिंदगी का और हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते इस पूरे सिचुएशन से ताकि एकदम काम एंड कैलकुलेटेड तरीके से वो हाइस्ट कर सके और अपने दिमाग में ठंडक और अपने इमोशंस पे स्टोइसिज्म नाम की चीज वापस ला सके. हम फाइनली जाते हैं और ट्रेन को हम इस पॉइंट पे इंटरसेप्ट करने वाले हैं. वेल ट्रेन को हम इंटरसेप्ट कैसे करेंगे तो हमने जो ब्रेक डिस्क का फोटो नहीं कहा था उस ब्रेक डिस्क को पहले हम फोड़ेंगे. तो मैं उसके ट्रेन के साइड बाय साइड जाता हूं उस ब्रेक डिस्क को फोड़ने की कोशिश करता हूं. वाई भी अगर पूरा मेन्यू समझा नहीं तो उसने ड्राइवर को ही मार दिया बट फिर भी ट्रेन जा रही है. आई गेस वो ये भी भूल गया कि ट्रेन में नीचे वो पेडल एक्सीलेटर वाला नहीं होता उसमें वो लीवर होता है जो खींच के रखा रहता है. तो ड्राइवर मरने के बाद भी ट्रेन रुकनी तो नहीं चाहिए टेक्निकली और फिर हम ब्रेक डिस्क तोड़ने की कोशिश करते हैं. इस बीच वाईबी ने डिसाइड किया कि पीछे जो हेलीकॉप्टर है उसके भी ड्राइवर को मार दो और फिर मेरे को क्वेश्चन करता है कि भैया ये ट्रेन रुक क्यों नहीं रही है. और उसके बाद ये होता है वेरी वेरी ट्रू. अगर रियल लाइफ होता तो भैया गाड़ी की क्या माँ बहन हो जाती है बट हम लोग पूरी तरह से सारे ब्रेक डिस्क को तोड़ देते हैं और ट्रेन रुक जाती है. हम एक टैक्टिकल कॉल देते हैं जो पहली बार हमने कुछ टैक्टिकल कॉल लिया कि मैं वाईबी को ट्रेन के स्टार्ट पे छोड़ देता हूँ और मैं ट्रेन के पीछे के साइड जाता हूँ ताकि जब हम दोनों साइड से ट्रेन को सर्च करते करते बीच में मिले तब तक हमारा टाइम भी बचेगा और जितना जल्दी हम ECU को ढूंढ सकते हैं उतना जल्दी हम उसको ढूंढेंगे. जितना ज़्यादा आप सरप्राइज है कि हम दोनों ने स्ट्रेटेजिकली साथ में एक डिसीजन लिया उतना ज़्यादा मैं भी सरप्राइज हूँ क्योंकि वेल हम लोग ये जनरली करते नहीं. तो कृपया डेट और टाइम लिख लीजिए जब आपने वीडियो देखा क्योंकि आपने पहली बार
इतिहास को नोटिस किया है। हमारे पास कटिंग वाला जो सॉ है उसको यूज करने का, वो पूरा जो एंट्री पे जो लॉक लगा है उसको तोड़ने का, और फिर खोल के देखने का कि ECU जिसमें अश्लील फिल्म है वो वहाँ पे है या नहीं है। और यहाँ पे एक मूवमेंट होता है कि एक हेलीकॉप्टर मेरे एग्जैक्ट पीछे होता है, वो मेरे को शूट कर रहा होता है, बट वो देखते हैं कि मैं कटिंग सॉ से कट कर रहा हूँ, तो वो एक ऑनरेबल ड्यूअल के लिए रुकता है ताकि हम लोग बोलते हैं ना इज्जत में उसको खोल सके, और उसके बाद वो मेरे से लड़ने की कोशिश करता है, जो मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली GTA ऑनलाइन है, ये GTA 3 नहीं है, मैं वहाँ जापानी बना हूँ, यहाँ नहीं, ऑनरेबल ड्यूअल की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं और हमारे पीछे बहुत सारे लोग पड़ते हैं। अगर मैं आपको एक एक्सप्रेशन से समझाना चाहूँगा कि कितने सारे लोग मेरे पीछे पड़ते हैं, तो इमेजिन करो आप एक बंदी के साथ हो, जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट इमेजिनेशन है क्योंकि वो फिजिकली पॉसिबल नहीं है, बट मैंने कहा इमेजिन करो आपकी एक गर्लफ्रेंड है और उसके बाप को पता चल जाएगा कि आपका रिश्ता है, फिर आपको पता चल जाएगा कि वो बंदी एक्चुअल में ठाकुर खानदान की कोई तो चिराग है, और फिर उसका बाप पूरे अपने बोलते ना जितने भी जान पहचान वाले ठाकुर खानदान के लोग सबको आपको मारने को भेज देता है, वही हालत हमारी होती है। और हमारा वाइबी शहीद हो जाता है, तो मैं ECU को उठाता हूँ और वहाँ से भागने के टाइम पे पता चलता है कि वाइबी रिस्पॉन हुआ है, मतलब आप हाइश करके रिस्पॉन हो सकते हो। होपफुली रियल लाइफ में ये फीचर जल्दी से जल्दी आ जाए, इसलिए इलॉन मस्क के न्यूरोलिंक को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ ताकि ये रिस्पॉन वाला फीचर जल्दी आ जाए, ताकि हम लोग हाइश कर गलती से एक्सीडेंट में मर जाए तो फिर हम लोग रिकवर कर सके। मैं फुल फॉर्म में पहुँचता हूँ और हमारे बायर्स है ब्लैक, यू आर टेलिंग मी कि हमने आज तक अभी तक ये पूरा जो काम किया है वो इसलिए किया है क्योंकि एक ब्लैक बंदे ने मुझे बोला करने को। वाओ, एक ज़माना था जब इन लोग हमारी बात सुनते थे, इनको हम खाना नहीं देते थे, और ये ज़माना है जहाँ पे हम इनको अश्लील फिल्म बेच रहे हैं और ताकि ये हमको पे कर सके, बेसिकली रिवर्स स्लेवरी। मैं एक पिटीशन शुरू करने वाला हूँ जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में हो सके तो डाल दूंगा कि भैया जितनी ज़्यादा इस रिवर्स स्लेवरी को कम की जाए उतना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि साला पहली बात तो ये ब्लैक लोग खुद फिल्म बना सकते हैं अश्लील, तो इन लोग हमारे पास क्यों आ रहे हैं, खुद फिल्म बनाओ खुद बेचो ना, क्यों दूसरों की फिल्म बेच लो। एनीवे थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, आपके वीडियो बहुत पसंद तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा, मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क अपने काम पर लगे रहे। Peace out.